जल जीवन हरियाली योजना को सफल बनाने को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है, ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना न करना पड़े। इसको लेकर जीविका दीदी के माध्यम से वन विभाग ने सैकड़ों जीविका दीदियों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया। वन विभाग जीविका दीदी के द्वारा समाज के लोगों में पौधा वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में शनिवार को हरपुर जान गांव में 1300 जीविका दीदियों को फलदार पौधे आम, कटहर, जामुन, आंवला, शरीफा, सहजन का वितरण किया गया। मौके पर वन उप परीक्षक मले कुमारी ने पौधे से पेड़ बनने तक के संरक्षण के लिए सभी से एक स्वर में प्रण दिलवाया, ताकि आने वाले भविष्य के लिए फलदार वृक्ष में फल लगे और उनके बच्चे इसके फल खाएं और इसका फायदा ले सके। मौके पर वन अधिकारी लव कुमार ने बताया कि जीविका दीदियों के माध्यम से गांव में पौधा लगाने हैं। इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार तक प्रखंड क्षेत्र के जीविका दीदी को 6000 पेड़ दिए जा चुके हैं। धरा को बचाने की मुहिम में लगी जीविका दीदियां निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि जीविका दीदियों को उनके पसंद के पौधे उपलब्ध कराए जाएं। मशुक से हरि किशोर सिंह की रिपोर्ट। मैं मले कुमारी, वन उप परिसर पदाधिकारी मसरा। जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ जीविका दीदी को हम लोग के तरफ से, वन विभाग की तरफ से 5275 पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ग्राम हरपुर जान है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स। हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स। रिश्ता मजबूती का।